गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आपके मेरे और एक नए ब्लॉग में। चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज अपनी जर्नी होने वाली है राजधानी एक्सप्रेस में, और भाई साहब मेरा हालत देख के आपको समझ में आ ही रहा होगा कि कितना भाई भागते दौड़ते अभी आना पड़ा मुझे। चलो, राजधानी थोड़ी ढीले थी इसकी वजह से मिल गई राजधानी। वैसे तो रात की जर्नी है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छी अच्छी व्यू दिखाऊँ। आज अपनी जर्नी होने वाली है एसी टू टायर में। चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। वाशरूम का कंडीशन सेकेंड एसी के हिसाब से ठीक ठाक ही है। हैंड वॉश बिल्कुल थोड़ी थोड़ी पिचिक पिचिक करके आ रहे हैं, पानी तो सही है। ये काम भी करता है कि नहीं वो मुझे पता नहीं है, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है। गुवाहाटी से खुलने के बाद अपनी राजधानी का फर्स्ट हॉल लामडिंग जंक्शन अभी हम आगे पहुंचे हैं, और पहुंचने का टाइम था 9:52 में। लामडिंग जंक्शन में पहुंचने का टाइम था 9:52 में, और पहुंची है पूरे 5 घंटे ढीले 3:35 में। चलो जी चलते हैं सोने, अब मिलते हैं सुबह यहाँ से। तब तक मैं ब्रश करके फ्रेश हो जाता हूँ। वैसे जहाँ तक नज़र जाएगा आपका, चाय पत्ती के बागान नज़र आते रहेंगे, हरे भरे बागान है जहाँ तक नज़र जा रहा है आपका, दिखते जाएगा। फिलहाल असम में फ्लड आई हुई है तो थोड़ा बहुत पानी भी दिख जाएगा। अभी आके हम पहुँचे मरियानी जंक्शन, और भाई यहाँ पे न चाय वाले आ रहे हैं और ना ही कुछ आ रहे हैं सुबह के टाइम। सो चलिए जी, फाइनली 2.5 से 3 घंटा के बाद अपनी चाय आ गई। चाय में मिला गर्म पानी, उसके बाद मिलता ये नोवा का एक मिल्क, और ये ब्रिटानिया बिस्किट जिसमें है 2 पीस, एनर्जी के लिए बहुत अच्छा चीज़ है ये, और ये एक चीनी का पैकेट, और साथ में मिलता है एक लाजवाब चाय पत्ती। चलो फटाफट बनाते हैं पहले चाय। रात भर इतना खराटा लिया ये मेरे को पैसेंजर, मुझे सोने ही नहीं दिया बिल्कुल भी। सुनो इसका खराटे, वैसे उसके वजह से मुझे इधर आना पड़ा, फिर मैं एक्टिविटी से बाहर।
बात करके साइड लोहर में आ गया। और भाई साइड लोहर में सुख ये था कि कोई भी नहीं था, बिल्कुल खाली होके पड़ा हुआ था। और मैं साइड लोहर में आने से दो घंटे सो पाया, उससे ज़्यादा सो ही नहीं पाया। पर बंदे का खराटे रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। मैं जितना वीडियो बना रहा हूँ सब में बैकग्राउंड में उसका फोन आ रहा है। वैसे टिकट फेयर की बात करें तो मैंने पे करा है 2100 रुपये गुवाहाटी टू डिब्रूगढ़। चाय के 15 मिनट बाद ही अपना ब्रेकफास्ट आ गया। अब ब्रेकफास्ट में मिला ब्रेड, एक केचप और मैंगो फ्रूटी। और भाई साहब ये सुबह का टाइम देखो, पता नहीं किसने तोड़ डाला ये। रात को तो बिल्कुल ठीक ठाक था और सुबह होते ही पता नहीं किसी ने तोड़ डाला और ये डब्बा रख दिया हैंड वॉश के जगह पे। ये डब्बा आ गया, ये भी काम नहीं कर रहा है, फ्रेश भी। अब तो फाइनली डिब्रूगढ़ पहुंच गया। हालांकि अपनी ट्रेन 4-5 घंटा लेट चल रही थी, वैसे जर्नी अच्छी रही। वीडियो देख रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं बहुत जल्द और एक नए ब्लॉग के साथ।